अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं समीर रसोई घर और आज जो रेसिपी आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही जबरदस्त बिरयानी की है, मखमली बिरयानी की। तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। मखमली बिरयानी बनाने के लिए हमें सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करना है, और अगर आप इसका बहुत अच्छा फ्लेवर चाहते हैं तो इसे ओवरनाइट चिकन को मैरिनेट कीजिएगा, वरना आप 2 से 3 घंटे तो लाजमी इसे मैरिनेट होने के लिए रखिएगा। 750 ग्राम मेरे पास चिकन है। नमक टू टेस्ट, 1 टीस्पून भर के सुरख मिर्च का पाउडर है, 1 टेबलस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट है, अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 टेबलस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, 1 टीस्पून जीरा है, 1/2 टीस्पून जायफल जावित्री का पाउडर है, 3 से 4 टेबलस्पून क्रीम है और 1/2 कप दही है। चिकन के अंदर हम डाल देंगे हरी मिर्चों का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, सुरख मिर्चें, जायफल जावित्री, गरम मसाला, जीरा, दही, क्रीम। इन सबको हमने अच्छी तरीके से मिक्स करना है। नमक और सुरख मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है, इसको मैं 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दूंगी। और अगर आप इसका बहुत जबरदस्त फ्लेवर चाहते हैं तो फिर ओवरनाइट आप रख दीजिए, तो इस बिरयानी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो इसे मैं अभी 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देती हूँ। चिकन को मैरिनेट हुए 2 से 3 घंटे हो चुके हैं। इसके अलावा हमें प्याज चाहिए 2 से 3, इसे मैंने स्लाइस कर लिया है। 1/4 कप दूध है, थोड़ा सा येलो फूड कलर है। मैं घी में इसे बना रही हूँ, आप चाहें तो इसे ऑयल में बना सकते हैं। यहाँ पर घी में तकरीबन 1/2 कप से थोड़ा सा ज्यादा इसके अंदर घी जाएगा, क्योंकि 1/2 कप हमने कढ़ाई में डालना है जिसमें हम प्याज फ्राई करेंगे, और बाकी थोड़ा सा घी हम एंड पे दम पे डालेंगे। 750 ग्राम मेरे पास चावल है, इन्हें मैंने 1/2 घंटा पहले भिगो दिया था। इसके अंदर अभी हमने इसे बॉयल करना है, और बॉयल करते वक्त 1 टेबलस्पून मिक्स गरम मसाला जाएगा, जिसके अंदर 1-2 स्टिक दालचीनी की है, 1 बड़ी इलायची है, 1 टीस्पून जीरा है और 1/2 टीस्पून काली मिर्चें हैं साबुत। नमक टू टेस्ट यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून लिया है। इसके अलावा जाफरान इसके अंदर जाएगा। ये तो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से मैं बनाऊंगी, इस वजह से मैंने चावल पहले से बॉयल नहीं किए। पुदीने के 10-12 पत्ते, 2-3 हरी मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया जाएगा ये ऊपर गार्निश के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने देगची ले ली है, इसके अंदर मैं डालूंगी घी 1/2 कप, साथ ही डाल दूंगी प्याज और इसे हम फ्राई करेंगे। टाइम सेव करने के लिए एक तरफ मैंने प्याज चढ़ा दी अपने फ्राई होने के लिए रख दी है, तो दूसरी तरफ हम चावल बॉयल कर लेते हैं, इससे टाइम सेव हो जाएगा। यहाँ मैंने पानी डाल दिया है, अंदर मैं डाल दूंगी साबुत गरम मसाला, नमक, 1 टेबलस्पून घी, ये तमाम चीजें मैंने डाल दी है। अब इसको हम बॉयल होने के लिए रख देते हैं। ये प्याज लाइट कलर की हो गई है, इसके अंदर हम डाल देंगे चिकन। थोड़ा सा मैं पानी ऐड कर दूंगी और इसे मैं पकने के लिए रख दूंगी जब तक चिकन अच्छी तरीके से भुना हो जाए। पानी में बॉयल आ चुका है, इस स्टेज के ऊपर मैं डालूंगी इसके अंदर जाफरान एसेंस के चंद कतरे, और साथ ही हम डाल देंगे चावल। चावल डालकर हमने पकने के लिए रख देना है, तकरीबन 1 कली हमने इसे छोड़ना है। जी इधर चिकन हमारा जो है वो कुक हो रहा है और चावल तकरीबन डन हो चुके हैं। चावल तैयार हो चुके हैं, इनको मैं छान लूंगी कि जब भी आप बिरयानी के लिए चावल बॉयल करें तो जब आप उसका पानी निचोड़ लें तो किसी खुली चीज के ऊपर उसको लेट दें, इससे चावल खड़े खड़े होते हैं और जुड़ते नहीं हैं। जब आप लेयरिंग करेंगे तो जुड़ेंगे नहीं, जिस तरह मैंने ये ट्रे पे किया है। आप या कोई कपड़ा शीट के ऊपर डालकर आप चावल उसके ऊपर डाल दीजिए ताकि ये चावल आपस में जुड़े ना। अगर एक ही जगह हमने चावलों को रखा तो वो गुठलियां सी बन जाएंगी। इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा घी डाल देंगे मजीद शाइन के लिए। ये चिकन हमारा तैयार हो गया है, स्टेज पर आप नमक और मिर्ची चेक कर लीजिएगा। अगर आपको महसूस हो कि नमक मिर्ची कम है तो आप स्टेज पर डाल सकते हैं। इसको मैं एक साइड पर रख दूंगी और अब हम बिरयानी की लेयरिंग करेंगे। यहाँ मैंने पैन ले लिया है, ये वही पैन है जिसके अंदर मैंने अभी चावल बॉयल किए थे। अंदर मैं डालूंगी थोड़ा सा पानी और 1 टेबल स्पून घी,
पानी और घी डालने से ये होता है कि चावल एक नीचे लगते नहीं और बहुत अच्छी स्टीम उनकी बन जाती है। पहले हम आधे चावल नीचे डालेंगे, तो ये देखें ठंडा करने के बावजूद भी चावल किस तरह खिले खिले हैं। स्ट्रेनर के अंदर रहने देती तो वो एकदम गुठलियों से बन जाती, इस तरह खड़े खिले खिले चावल ना बनते। आधे चावल मैं नीचे डालूंगी। अब जो चिकन हमने तैयार किया था वो हम डाल देंगे। बहुत ज़्यादा इसे ड्राई ना कीजिएगा, थोड़ा सा इसके अंदर लिक्विड होना चाहिए कि जिस तरह बिल्कुल ड्राई कर देंगे तो फिर स्टीम एक अच्छी नहीं बनेगी। तो ये तमाम चिकन हम इसके अंदर डाल देंगे, चावल की लेयर लगा देंगे। नीचे मैंने तवा रख दिया है, इसके अंदर डालेंगे हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें, और जो दूध मैंने आपको बताया था 1/4 कप इसके अंदर हम डाल देंगे यह फूड कलर। इसको हम मिक्स करेंगे, फैलाइएगा ना, बस एक साइड पे हम डाल देंगे और इसको मैं दम से रख दूंगी। तेज आंच पे अभी हम रखेंगे 5 मिनट के लिए, उसके बाद मैं हीट कम कर दूंगी और 10 मिनट फिर मैं हल्की हीट पे दम पे रखूंगी। बिरयानी हमारी तैयार हो चुकी है, इसको हम इसको मिक्स करेंगे। इसको मैं सर्विंग डिश में निकालूंगी। जी बेहतरीन सी मखमली बिरयानी हमारी तैयार है। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मेरे चैनल समीर रसोई घर को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि आपको नई से नई वीडियोज़ और रेसिपीज मिलती रहें। अपने दुआ में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।